मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि पोले के साथ इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इस वीडियो में से कम अगर आप लोगों ने 30% प्रश्न का भी जवाब दे दिया तो इसका मतलब है दोस्तों आपकी जो तैयारी वो बहुत अच्छी है और आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और सभी प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए और प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, पूरम बनाम पश्चिम। मैंने आपको ये प्रश्न आज ही करवाया था कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय जो है वो किससे है, यानी कि पूरब और पश्चिम, बनाम मतलब वर्सेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट के आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शीत युद्ध से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पूरब की ओर था आपका सोवियत संघ और पश्चिम की ओर था दोस्तों पूंजीवादी अमेरिका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को बोलते थे शीत युद्ध। तो राइट सर दोस्तों आपका ऑप्शन ई बी हो जाएगा। देखिए कई बार ये प्रश्न जो कि आपको पूछा भी गया है 2015 में 2017 में, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना पड़ेगा तनु क्लासेस, वहां पर दोस्तों आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। टोटल 15 सेट जो है अपलोड कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 1917 की रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 के रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने आपको आज ही करवाया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे लेनिन ने। ऑप्शन सी आपका सेकंड का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे 2013 में, दोस्तों देखिए प्रश्न आपको पूछा गया बिल्कुल थर्ड के राइट आंसर हो जाएगा, वह दोस्तों सोवियत संघ के। ऑप्शन आपकी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त है वो भी दोस्तों इस वीडियो को देख ले। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 4। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बिल्कुल 4 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा वो है ट्रिगिलाई। ऑप्शन आपका ए जो है 4 के बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2020 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया कि भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा वो 1951 में। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? इसके दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो 1976 में। ऑप्शन आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? देखिए 2021 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो न्यायपालिका होती है दोस्तों वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत काम करती है, किस प्रोसेस के अंतर्गत? बिल्कुल 7 के दोस्तों राइट आएंगे, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका जो है कार्य करती है। ऑप्शन आपका ए 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्या बात है, इसी आप लोगों को एग्जाम में भी शानदार ताबड़तोड़ प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। एक भी प्रश्न को दोस्तों आपको परीक्षा में नहीं छोड़ना है, ये गलती बहुत बार स्टूडेंट कर देता है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनावृत्ति की आयु जो है वो क्या है? देखिए 2021 में आपको पूछा गया है बिल्कुल 8 के दोस्तों आंसर हो जाएगा वह 62 वर्ष, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जो जज होते हैं, उसकी जो आयु होती है मतलब कि वो कितने बार में रिटायर जो होते हैं वो 62 वर्ष में होते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो 65 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई कोर्ट के बारे में पूछा है तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9। कई बार देखिए प्रश्न मैंने आपको करवाया था, भारतीय न्यायपालिका शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का जो शीर्ष न्यायालय है दोस्तों वो कौन है? बिल्कुल 9 की दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन भी आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 10। संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर दिया, इसकी जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, विजयलक्ष्मी पंडित जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 11। G77, आज ही मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था कि ग्रुप 77 जो है इसमें दोस्तों कौन शामिल है? बिल्कुल 11 की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है विकासशील देश, ठीक है। तो G77 में जो है विकासशील देश शामिल है, राइट आंसर आपका 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बिल्कुल 12 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा महासभा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 12 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? 1953 में, 54 में, 55 में, 56 में? बिल्कुल 13 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, 1955 में, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन है दोस्तों वो कब सौंपा था, वो 1955 में सौंपा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 14। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की जो संख्या वो कितनी थी? यानी कि जब आजादी हो रहा था, यानी कि जब आजादी मिली थी भारत को, तो दोस्तों में भारतीय संघ में टोटल राज्यों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल 14 के दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 28। ऑप्शन यहां पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको देंगे 15। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को दो इकाइयों में विभाजित किया गया,
इकाइयां जो है निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल 15 के दोस्तों आपके जो सही आंसर है वो हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में जो है, यानी कि दो इकाई में उसको बांट दिया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्य टोटल अभी कितना है 28 है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों, तो वो है 9। अगर पूछा जाए तो आप लोग दीजिएगा। और मूल अधिकार कितने हैं, टोटल 6 है, एक अधिकार को हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार, टोटल मूल अधिकार 6 है। और टोटल दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 16, राजवारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी गई थी? बिल्कुल 16 के दोस्तों आपके राइट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हीं दोस्तों राजवारों को भारतीय संघ में शामिल कराने का जिम्मेदारी दी गई थी। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल 17 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी आपका 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि आजादी के बाद निर्मित जो भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? बिल्कुल दोस्तों 18 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही गृह मंत्री बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा गृह मंत्री, अगर आपको पूछे उप प्रधानमंत्री दोस्तों तो वो भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन थे तो ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है, ठीक है, 2012 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो 18 की आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? बिल्कुल 19 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन आपका ए जो है 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? बिल्कुल 20 के दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, 1960 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 1960 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 21 के दोस्तों आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए प्रश्न आपको कई बार पूछा गया और बिल्कुल आप लोग को पता है 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचशील समझौता जो है वो किसके बीच हुआ था दोस्तों? पंचशील समझौता जो है वो चीन के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये समझौता? 1954 में। तो 1954 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पंचशील समझौता, जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? बिल्कुल 23 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही औद्योगिक से रिलेटेड जितने भी कार्य थे दोस्तों सभी को किया गया था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 23 का, क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएगा 24, पत रातु ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 24 के बिल्कुल आपके जो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पत रातु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? बिल्कुल 25 के दोस्तों आपके जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल केंद्र प्राधिकरण के मतलब की इसके अध्यक्ष में रहता है, ठीक है। तो राइट सर जो इसके अंतर्गत रहता है तो राइट सर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 25 का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आप जाएंगे जो 26 नंबर क्वेश्चन, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? आपको पूछा जाएगा कि समाजवादी मॉडल में उत्पादन और वितरण ये दोनों चीज किसके कंट्रोल में रहता है दोस्तों? 26 के बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएगा राज्य के कंट्रोल में। ऑप्शन आपका भी 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अभी तक नहीं किया यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बनाया है तो प्लीज आप लोग जाइए सिंपली कहां पर, गूगल पर जाइए दोस्तों, वहां पर आप सर्च करेंगे तनु क्लासेस, ठीक है। तो तनु क्लासेस दोस्तों सर्च करेंगे ऊपर में आपको मिलेगा, उसी लिंक पर क्लिक करना दोस्तों, और यहां पर जो आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और मॉडल सेट जो है मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपको जाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाने के बाद यहां पर देखिए आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को उसी पर क्लिक करना, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए सारा चीज यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाना कैसे, सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना तनु क्लासेस, वहां के बाद दोस्तों आपको वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों वहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव वीवीआई मॉडल सेट साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही कंपलसरी है, तो प्लीज आप लोग जाइए, 15 सेट है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिए और 100% दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाउट जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 26 के बिल्कुल आंसर क्या जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज ही के दिन में आपको यह प्रश्न करवाया था, ठीक है। तो भारत में दोस्तों कौन सा अर्थव्यवस्था, बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्भरता कृषि पर है? बताइएगा भारत में कितने प्रतिशत लोगों की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंट है दोस्तों वो कृषि पर? 28 का बिल्कुल आपके जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 70%। जी हाँ, ऑप्शन आपका ए 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल 29 के दोस्तों आपके जो करेक्ट आंसर वो क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन भी आपका 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30,
सीट युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं कोल वार, इसके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन है जो कि सत्य है। 2010 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। राइट साइड आपको जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न समय को जाएंगे 31। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, इसके राइट साइड क्या हो जाएगा, किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, बिल्कुल सही। दोनों गुटों में समान दूरी बनाए रखना, बिल्कुल सही। दोनों गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, बिल्कुल सही। तो राइट साइड दोस्तों आपके ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? बिल्कुल 32 के दोस्तों आपके जो सही आंसर है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू ने की। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? बताइएगा कौन से पंचवर्षीय योजना था जहां पर गरीबी हटाओ कार्यक्रम प्रोग्राम को जो है विशेष स्थान दिया गया था। मैंने आज ही ये प्रश्न आपको करवाया था। बिल्कुल 33 के दोस्तों आपको जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर के 79 तक चली थी। इसी में दोस्तों यानी कि यही जो पंचवर्षीय योजना था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था, गरीबी हटाओ को जो कार्यक्रम था दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। तो राइट सर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला जो किसे कहा गया, ये भी प्रश्न देखिए मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। बिल्कुल 34 के राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री को कहा गया। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न समय को देंगे 35। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? बताइएगा टोटल शासन जो है सबसे कम कौन से प्रधानमंत्री किए हैं? बिल्कुल 35 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, एपी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी? तो दोस्तों आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूं कि जनता पार्टी जो कि 1977 में विजय प्राप्त की थी, जनता पार्टी ना कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो जनता पार्टी विजय प्राप्त की थी दोस्तों, उसके बाद ही जो है वो प्रधानमंत्री बन गए थे 8 महीने के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी दोस्तों, 18 महीने तक। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37। भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई थी? 37 के बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। तो भारतीय लोकदल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1974 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38। स्थापना के समय भारतीय लोकदल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्थापना के समय भारतीय लोकदल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? बिल्कुल 38 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन आपका बी 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? बोलिएगा 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है किसने लाया था? 39 के दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, YB चौहान। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 39 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40। जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की जो सरकार है वो दोस्तों किस आयोग का गठन किया था? बिल्कुल 40 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा वो मंडल आयोग। ऑप्शन सी आपका 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो क्यों चला गया था? बिल्कुल 41 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पर्यावरण की रक्षा के लिए। बिल्कुल विस्थापियों की समस्या समाधान, तो बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे भूमि को जलमग्न होने से बचाओ, यानी कि जल के भरने से मतलब कि बचाव के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्या बात है, बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। मेगा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व वो कब से शुरू किया गया था? ये प्रश्न दोस्तों आपको मैंने अभी आज ही के दिन ये प्रश्न बताया था। बिल्कुल 42 के दोस्तों आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में, ठीक है। तो मेगा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों वो 1989 शुरू किया। ऑप्शन आपका 42 का जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 43। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? 43 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका मेगा पाटेकर, अनिल पटेल, बाबर आमटे। राइट सर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये क्या थे, नर्मदा बचाओ के आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। राइट सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएगा 44। सूचना के अधिकार का आंदोलन कब से पारित किया गया था? 44 के दोस्तों आपके जो राइट सर वो जाएगा 1990 में, ठीक है। तो सूचना के अधिकार का जो आंदोलन दोस्तों वो कब पारित किया गया था, 1990 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43। सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? सूचना का अधिकार का जो आंदोलन वो किस राज्य से प्रारंभ हुआ? 45 के दोस्तों आपके जो यहाँ पर राइट सर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन 45 का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46। आपके प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट आपका। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ था? तो आप लोग को पता होगा बिल्कुल 46 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी के दोस्तों मतलब कि एक प्रकार का विलय पर मतलब कि नीति के तहत जो है इसका हुआ था, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारतीय संघ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका 46 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 47। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? 47 का बिल्कुल आपके जो राइट आंसर दोस्तों वो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48।
जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है, जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा कौन सी है, बिल्कुल 40 की दोस्तों आप लोग 48 की दोस्तों राइट से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल हो जाएगा उर्दू। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये दिया था प्रथम अनुसूची 47 नंबर का, अब दोस्तों 48 का भी आपका सी ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए क्वेश्चन आपके इतना है, जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है, तो आप लोग को पता ही होगा 48 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट आपका, बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है उर्दू, ऑप्शन सी आपका 48 का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, बोलेगा आप लोग, बिल्कुल 49 के दोस्तों आपके जो राइट है वो आंसर क्या हो जाएगा, जन अधिकार पार्टी, आप हम ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 50, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी, बताइएगा कौन सी समिति है जो कि अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। 50 के दोस्तों आपके जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओहरी समिति, ओहरा समिति, ऑप्शन भी आपका 50 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में लोगों ने जितने भी प्रश्न किया काफी इंपॉर्टेंट है।